अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबनम फहीम। कुकिंग विद शबनम फहीम के चैनल पे आपका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है शकरकंदी की खीर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये है मेरे पास शकरकंदी। पहले मैं इसे छील लूंगी, उसके बाद इसे कद्दूकश कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए, मैंने ये कद्दूकश भी कर ली है, श्रेड कर ली है, उसके बाद मैंने इसे पानी में भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, आप इसे पानी में भिगो के ही रखिएगा, है ना। ऐसे मत करिएगा कि कद्दूकश करके आप इसे ऐसे ही रख दें, पानी में भिगो के ही रखिएगा, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है ना, तो ये काली पड़ जाती है। ठीक है, चलिए तो अब इसका कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने गैस जला ली है और उस पर ये पॉट रख दिया है। इसमें डालती हूँ मैं एक स्पून घी, देसी घी है मेरा, होममेड। थोड़ा ये मेल्ट हो जाए, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी ये कुछ काजू बादाम, इसे मैं रोस्ट कर लूंगी। अच्छी सी स्मेल आ जाती है रोस्ट करने से, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ठीक है, तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ, ये हो गए हैं। मैं फिर से यही पॉट रख देती हूँ और इसमें डालती हूँ एक स्पून घी और उसमें ये शकरकंदी डाल देती हूँ। इसे मैं भून लूंगी घी के साथ। आप इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, बहुत मजे की हो जाती है ये। शकरकंदी की खीर सबको ही बहुत पसंद होती है, बच्चे बड़े सबकी फेवरेट होती है। तो देखिए, मैंने ये रोस्ट कर दी है, अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें ये दूध ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ी देर पकाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये इसमें सब डाल दिया था और ये पक रहा है। ठीक है, अब एक काम करती हूँ, मैं इसमें से थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। थोड़ा सा ये दूध ले लिया है और इसमें मैं ये सेफ्रॉन कुछ है मेरे पास, ये इसमें डाल देती हूँ गर्म दूध में। इसे मैं भिगो के रख देती हूँ एक साइड, बाद में इसे यूज़ करेंगे। देखिए, तो ये दूध अभी इतना रिड्यूस हो गया है और इसमें साइड में जो मलाई आ जाती है ना, उसे भी हम इसमें ही डालते रहेंगे, ऐसे इस तरह से खुरच के साइड में से सब इसी में बीच में ही कर देंगे और ये बहुत मज़ेदार हो जाती है इस तरह से, है ना। और इसमें हम डाल देंगे ये हाफ चम्मच इलायची पाउडर, ठीक है, और थोड़ा सा हम इसमें ये काजू बादाम अभी डाल देते हैं, थोड़ा सा ये अभी डाल देते हैं, साथ में पकेंगे और मज़ेदार हो जाएगा ये। ठीक, चलिए तो पकाते हैं, फिर दिखाते हैं पका के। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर देती हूँ, जितना आप मीठा खाते हो उसके हिसाब से आप शुगर डाल लें इसमें। ठीक, अब ज़्यादा खाती हूँ या कम खाती हूँ अपने हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको पसंद हो। ठीक है, इसे मैं अभी और पकाऊंगी। ठीक है, ये इतनी थिक हो गई है, अब ये मैं ज़्यादा थिक नहीं करूँगी इसे। अब मैं इसमें ये सेफ्रॉन वाला दूध डाल दूंगी, जिसमें मैंने ये सेफ्रॉन रखी हुई थी भिगो के। ठीक, बस 2 मिनट और मैं इसके साथ पकाऊंगी इसे, और उसके बाद इसे गैस बंद कर दूंगी मैं, फिर इसे ठंडा करूंगी और गार्निशिंग करूंगी इसकी, बस। ठीक है, चलिए बस 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है। इसे आप ठंडा भी खा सकते हैं, आप इसे गर्म भी खा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर और 2 मिनट पका लेती हूँ इसे। 2 मिनट हो गए इसे पकते हुए और मैं अब गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं अब इस पॉइंट पे गैस बंद कर देती हूँ और इसके ठंडा होने का वेट करती हूँ,
और फिर मैं आपको इसकी गार्निशिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए शकरकंदी की खीर तैयार है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे ये पिस्ते से, ठीक है। आपको जो पसंद हो आप वो उससे गार्निश करें इसे, और थोड़ी सी रोज पेटल से, और इस पे लगा देंगे हम कहीं कहीं पे ये चांदी का वर्क। अगर आपको मेरी शकरकंदी की खीर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।